और कड़ी टक्कर हो सकती है। हालांकि ये हवा में तीर छोड़ा जा रहे हैं, हवा में तीर कह रहे हैं कि 22 और 21 सीटें इस वक्त चल रही हैं उत्तराखंड में, 21-22 सीटें सुभाष, 21-22 सीटें रुझानों में चल रही है, कांग्रेस 21 और बीजेपी 22। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी इस बात पे मैं अग्री नहीं करूंगा कि ये बात सही है, क्योंकि अभी तक पोस्टल बैलेट की गिनती अभी तक लगातार जारी है, खासतौर से राजधानी देहरादून की जो सीटें उनमें भी अभी पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, और जिसमें पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है, जहां ईवीएम की गिनती शुरू हो रही है, फिर उसके पोस्टल बैलेट की रिजल्ट आ रहा है। जिस तरीके से मैंने कहा कि 3 विधानसभाएं ऐसी है जिन पर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है और उनके रुझान सामने आ चुके हैं, उसमें से एक सहसपुर विधानसभा, एक विकासनगर विधानसभा और राजधानी देहरादून की कैंट विधानसभा है। चलिए आप नजर बना के रखिएगा, नजर बना के रखिएगा जो अपडेट आपके पास सारा ग्राउंड जीरो से देहरादून का उत्तराखंड की तस्वीर आपसे लगातार हम ले रहे हैं। लेकिन एके मिश्रा और संजय बघेल साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। एके मिश्रा जी, ये मैंने कुछ गलत बोला तो नहीं? कुछ लोग कहते हैं इतना कड़वा मत बोला करो, कुछ मीठा मीठा भी बोला करो। मैं तो कह रहा हूँ ये हवा में तीर क्यों छोड़े जा रहे हैं अभी, कि वो कह रहा है 403 सीटों पर रुझान आ गए, कोई कह रहा है कि 70 सीटों पर रुझान आ गए उत्तराखंड में, ये रुझान आ गए मैं मान लूं या फिर अभी पिक्चर बाकी है? नहीं, देखिए क्या है, जैसे मिसाइल होती है ना, इलेक्शन कमीशन तीर तो केवल मिसाइल जो है वो इलेक्शन कमीशन ही छोड़ रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी रिजल्ट को डिक्लेयर किया कि भाई इतने सीटों पे काउंटिंग शुरू हो गई है और अभी तक का जो है एक घंटे तक का जो वोटिंग काउंट हुई है उसमें ये है, तो इस पल के लिए तो उसको माना जाएगा। अब वो मिसाइल आगे कहाँ कहाँ रास्ता जो है चेंज करेगी वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, इसको बहुत उतावलेपन में इसको फाइनल रिजल्ट नहीं मान लेना चाहिए, लेकिन एक संकेत प्रारंभिक जरूर माना जाता है कि डायरेक्शन किधर है। अब हो सकता है 12 बजे तक सिचुएशन कुछ और बदल जाए, लेकिन एक बड़ी खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे अभी बैलेट पेपर निकल रहे हैं और बैलेट पेपर बाहर से आते हैं, तो बैलेट पेपर में जिसका भी रुझान दिख रहा है जिस भी पार्टी का, ये तो मानना पड़ेगा कि उस पार्टी की धमक इतनी है कि इतने दूर से बैठा वोटर भी अपने कर्तव्य को नहीं भूल रहा है, वो अपने वोट को पहुंचा रहा है। तो ये डेडिकेशन की किस पार्टी ने कितने डीप पेनेट्रेट किया है वोटर को, वो ये बताता है। और बैलेट पेपर का भी होता है, लोग जाके कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप अपना बैलेट पेपर का वोट दीजिए, तो ये माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट और इसके साथ साथ किसी भी पार्टी के फेवर में ये जा रहा हो बैलेट पेपर, तो अगर इतनी दूर से बैठे हुए वोटर को वो जगा सकते हैं, तो ग्राउंड लेवल के वोटर पे तो सभी लोगों ने काम किया है, तो इम्पैक्ट ज्यादा ही रहता है। मैं एक प्रारंभिक दिग्दर्शक दिशा सूचक में मान सकता हूँ इन रुझानों को। ले भगे साहब, आपसे जानना चाहूंगा आपका अनुभव क्या कहता है, क्या मैं मान लूं ये सब कुछ फाइनल हो चुका है, खबर खत्म, दी एंड? तिलक जी देखिए, आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल भगे साहब। हाँ तिलक जी देखिए, जैसा कि रुझानों में आ रहा था अलग अलग एग्जिट पोल में, मैं तो बहुत जगह रिसर्च नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मैं लगातार अपनी टीम के साथ लगा हुआ था, और मुझे अनुमान यही था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा आएगी। लोग कितना भी कुछ बोलते रहे, दयाराम भार्गव जी अपनी जगह सही है और शायद खान साहब अपनी जगह सही है कि अभी तो ये रुझान है, लेकिन मुझे लगता है ये रुझान जो है परिणाम में कहीं ना कहीं रिजल्ट में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होंगे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो रहा है कि इनका जो कैंपेन चला माफिया राज को अंत करना, और एक तरह से योगी जी, भले मोदी जी हाँ पूरे देश के लिए ब्रांड रहे हों, लेकिन योगी जी अपने आप एक ब्रांड की तरह उभरे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो एक जो आइडेंटिटी क्राइसिस जो होना चाहिए, जैसे आप देख लीजिए पंजाब में जो आइडेंटिटी का क्राइसिस हुआ है बीजेपी को, उसी तरह जो गोवा में उस तरह से कोई बड़ा लीडर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बड़ा लीडर का चेहरा लेकर के लड़ा गया और वो अपने दम पर सीट कहीं ना कहीं निकाल के ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जो अभी रुझान आ रहे हैं, 4000 की लीड चल रही है योगी की, योगी की लीड 4000 से ज्यादा की चल रही है गोरखपुर से। जी जी, और मुझे बिल्कुल निसंदेह मैं कह सकता हूं कि योगी जी तो अपनी सीट निकाल के ले जाएंगे और दूसरों को भी निकाल के ले जाएंगे। अच्छा, तो उन्होंने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह से माफिया राज पे काम किया है, तो वो मैसेज कहीं ना कहीं लोगों के पास पहुंचा है, और चाहे जितने भी छोटी छोटी चीजें आपके 6000 की लीड हो गई, 6000 की लीड हो गई योगी की, 6000 की लीड हो गई, तो सीएम योगी की 6000 की लीड बताई जा रही है, जहां पर सीएम योगी 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं बताया जा रहा है।
ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन एक बात शाहिन खान साहब, खान साहब जैसी उम्मीद आवाज नहीं मिल पा रहा है मुझे जी। खान साहब मैंने कहा क्या पेश करूं आपकी खिदमत में, आंकड़े बताने के लिए नहीं है मेरे पास। तिलक जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जब विपरीत परिस्थितियों में भी गोरखनाथ गोरखपुर की सीट योगी जी संभाल के रखे हुए थे, लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, तब अभी तो लहर एक तरह से हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह लहर थी जैसे 2000 नहीं फूलपुर ने बहुत कुछ सीख दी थी ना, फूलपुर ने बहुत कुछ सिखाया था, फूलपुर ने वही सोशल इंजीनियरिंग सिखाई थी। लेकिन खान साहब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी बोलिए तिलक जी, आवाज आ रहा है आपका। खान साहब अब क्या करूं, अब तो एग्जिट पोल ने ना कोई आंकड़े दिए आपके फेवर में जो मैं बोल पाता, ना आप नतीजे आते हुए बताए जा रहे हैं कि कुछ आपके पक्ष में आ रहे हैं। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, अभी बहुत ही शुरुआती रुझान नहीं है और इसके आधार पर यदि भाजपा के हमारे मित्र चाहे तो वो लड्डू पेड़े खा भी सकते हैं और बांट भी सकते हैं। तो अभी ये जो रुझान आ रहे हैं ये बहुत शुरुआती रुझान है, यानी इस पर तो यानी नतीजों में के आधार पे नतीजों में आप पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो यानी नतीजों में आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं।